नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूँ नितिशा। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा और परेशानी का समाधान। बताते हैं आपको आपके सितारों की चाल और दिन का हाल, साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज जानिए चिता की भस्म क्यों लगाते हैं भगवान शिव, अर्थात विभूति, या जिसे हम भस्म भी कहते हैं, आखिर क्यों ये लगाते हैं भगवान शिव। जानिए शिव पूजा में चिता भस्म का महत्व। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं चिता भस्म के बिना शिव साधना है अधूरी? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शिव पूजा में चिता भस्म का महत्व। आपके सितारे में आप हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। तो अगर आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान, या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है साध्य और करण है भव। तो चलिए अब हम बात करेंगे राशियों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में यह समझना बहुत आवश्यक है कि शॉर्टकट अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सफलता का, तो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको परिश्रम और मेहनत जरूर करना है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ दिन बिताना आपके लिए आज आपके संबंधों को भी बेहतर सिद्ध करेगा और उसके साथ साथ आपके अपने कार्यक्षेत्र के लिए भी, ये जो आप समय देंगे, ये समय देना आपके कार्यक्षेत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज ऐसा बिल्कुल भी कोई व्यवहार ना करे कि किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। खासतौर पर कोई ऐसे पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने बहुत ही करीबी संबंधी से मुलाकात हो सकती है जिससे आपकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई है, और उससे मिल करके पुरानी यादें ताजा करने का आपको एक अवसर मिलेगा। आज का दिन काफी सारे अच्छे सरप्राइजेज आपके लिए लेकर के आ रहा है, और ये जो कुछ भी आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके कार्यक्षेत्र के लिए हर मायने में शुभ सिद्ध होने वाले हैं। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज किसी से बहुत बड़े वादे मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको दो लोगों के मध्य में सुलह कराने का अवसर मिल सकता है। आप मध्यस्थता करा सकते हैं, आप निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। आज किसी गलती की वजह से आप अपने करीबी व्यक्ति को दुख पहुंचा सकते हैं। धन के मामले में आज आपका दिन बहुत अच्छा हो सकता है, कहीं से बकाया धन की प्राप्ति हो जाए। जो धन काफी समय से रुका हुआ था, जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके थे, आज शायद आपको वह प्राप्त हो जाए। ओम विधाई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। कोई बहुत बड़े निर्णय करने में, महत्वपूर्ण निर्णय करने में जल्दीबाजी न करें। और चलिए अब हम बात करेंगे अगली राशि यानी कि कर्क राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है।
आप कभी कभी खुद के लिए समस्याएं स्वयं पैदा कर लेते हैं, तो इससे आपको बचना है। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। बहुत धैर्य के साथ, निश्चिंता के साथ काम करें। जब तक आप ये श्योर ना हो कि आपका जो काम है वो पूरा है और सही मायने में पूर्ण हो गया है, तब तक आप उसे आगे लोगों को मत बढ़ाइए। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आपके किसी पार्टनर के साथ आज झगड़े की, वाद विवाद की संभावना दिखती है, उसको आपको बचाना है। और चलिए अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि आज आप अपने कार्य को, अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं, अन्यथा आज कोई बहुत बड़ी क्षति की स्थिति दिखाई देती है। आज आप किसी बात पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोधित महसूस करेंगे और आप अपने भाव लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकेंगे, जिससे आप स्वयं को बहुत ज्यादा परेशानी में डालेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको आज क्रोध और चिंता दोनों से बचना है। आपको जो भी आप मन में सोच रहे हैं उस बात को किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त कर देना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, जिससे आपके मन के जो भाव है, जो बोझ है, आप उसे कम कर सकते हैं। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपने कार्य क्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी अनदेखी मत करिए। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज या परिस्थिति जिसे आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उससे आपको दूर ही रहना चाहिए। ऐसी जिम्मेदारी मत लीजिए जो आपसे पूरी न की जा सके। आज आपके मित्र को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, गुप्त बातें हैं, वो हर किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। उसकी चर्चा हर किसी के सामने या हर किसी व्यक्ति से मत करिए। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक देहरादून से जुड़ी हुई है, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। हेलो जी, नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरा नाम निधि नैथानी है, मैं देहरादून से बोल रही हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1985 जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज। आप मुझे अपना टाइम एंड बर्थ प्लेस भी बताइए। बर्थडे बता दो, वो है 3 जनवरी 19। जन्म का समय पूछा मैंने, वो आपने डेट बता दी। 4:17 शाम को जी। जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार आपने पूछा कि आपका प्रेम विवाह होगा या पूरी तरीके से अरेंज मैरिज के संयोग बनते हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका ये बताती है कि पूरी तरीके से अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि आपकी कुंडली जो है किसी भी तरीके से लव मैरिज के लिए सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे अक्सर ऐसे संयोग बन जाते हैं, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, उसके परिवार के लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो लव मैरिज ही करेगा, लेकिन कुंडली कुछ और बोलती है और व्यक्ति कुंडली ग्रहों के अधीन ही होता है। तो आपकी कुंडली का यही संयोग है कि आपका जो विवाह होगा वो पूर्णतः परिवार के तरफ से बताया हुआ, सुझाया हुआ कोई संबंध होगा। यदि आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो आपकी कुंडली के ऐसे संयोग हैं कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दिल पे चोट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिवार का जो सुझाव है उसको मानना चाहिए, वही आपके पक्ष में, आपके हित में है। और इस वक्त इलाहाबाद से हमारे साथ रजनी जी जुड़ी हुई है। रजनी जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। मैं जी, अपना प्रश्न करें। मैं अपनी बहन निधि के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसके पढ़ाई के बारे में और फ्यूचर के बारे में जी। तो नाम निधि छाबड़ा है, उसकी टाइमिंग है 6:45 सुबह जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 1998 जी। और इलाहाबाद जी। आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं। पढ़ाई के में थोड़ा बहुत शैतान बहुत है, पढ़ाई मतलब ध्यान नहीं लगता है और जी। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। शुक्र दो स्थानों का स्वामी है, पहला स्थान चतुर्थ, दूसरा स्थान भाग्य स्थान यानी नवा भाव। ये दोनों भाव किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छे, बहुत शुभ होते हैं। और जो शुक्र की स्थिति है, यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए, थोड़ी सी पूजा की जाए, तो जहाँ एक तरफ अभी आप बता रहे हैं कि शुक्र के प्रभाव से इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही,
कुछ सरल से उपाय करने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन हो सकता है। उसके लिए करना इनको ये चाहिए कि रोज स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के प्रातःकाल भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अपनी स्टडी टेबल में या जिस कमरे में ये पढ़ाई करते हैं, जो इनका स्टडी रूम है, वहाँ कहीं आसपास देवी सरस्वती की फोटो, तस्वीर या मूर्ति रखना, उनको एक बार प्रणाम कर लेना, या सुबह या शाम किसी भी समय में दो धूपबत्तियाँ वहाँ पर लगा देना, इनको बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही में जैसा मैंने बताया, गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ये था छह राशियों का हाल, और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे बाकी की बची हुई छह राशियों के बारे में और आज का महामंत्र। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर हम बात करेंगे राशियों की और जानेंगे कि कैसा रहेगा तुला राशि का आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो सकते हैं। ये आपका स्वभाव है, आप छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको धीरज बना करके रखना चाहिए। ये ऐसे बहुत सारे दिनचर्या में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको क्रोध आता है, तत्काल गुस्सा आता है, इससे आप अपना स्वभाव, अपना काम, सब कुछ खराब कर लेते हैं। आपके आसपास के लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। इस तरीके के व्यवहार से आपको बचना है। बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, जिससे आप उनका स्वागत कर सकें। अपने व्यापारिक संबंध के विषय में गंभीरता से आज का दिन जो है वो सोचने का दिन है। तो आप आगे क्या करना है, अभी जो आपके लोगों के साथ पार्टनरशिप चल रही है, जो भी व्यापारिक संबंध है, उसको और कैसे मजबूत बनाना है, कैसे आगे उसमें वृद्धि करनी है, इसमें थोड़ा सा चिंतन मनन करें, वो आपके हित में होगा। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी परिस्थिति में मानसिक थकान को, उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब बारी है जानने की कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन काफी रोमांचक हो सकता है। कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं अपने परिवार के साथ। उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। किसी करीबी व्यक्ति की बातें आपको कुछ मन पे चोट पहुंचा सकती हैं, हृदय को दुखा सकती हैं, तो ऐसी बातों को दिल से बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं लगाना चाहिए। इन बातों को भूलने में ही आपकी भलाई। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो भगवान श्री गणेश जो है वो आपको विद्या और बुद्धि देंगे। सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, विवेक की प्राप्ति होगी। आज आपको भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि किसी के मन को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब बात करेंगे धनु राशि की, जानेंगे धनु राशि के जातक लोगों के लिए क्या कुछ है आज खास। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज अपने काम को अच्छी तरीके से पूरा करें। किसी को शिकायत का मौका आप मत दीजिए। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसी चूक मत करिए जिससे लोगों को आपके खिलाफ कोई शिकायत का मौका मिले। आज आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य, शरीर कुछ थका हुआ महसूस करेगा। आप चाहें तो परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, जहां आप शुभ ऊर्जा को ग्रहण करें, परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करें। और उसके साथ साथ ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दैवीय कृपा से भी आपको बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। भाई बंधु के साथ वाद विवाद संभावित है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से बचाना है। और अब बारी है मकर राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको आज बहुत कुछ सीखने व समझने का मौका मिलेगा। आपके लिए वरदान की तरह से दो सकता है ये अवसर, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सीखते रहना चाहिए। निवेश में जोखिम आज आपको उठाने से बचना है। इन्वेस्टमेंट का कोई सुझाव दे सकता है, उसको भी टालिए फिलहाल। आज कोई नई व्यापारिक योजना आरंभ करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। योजना ऐसी हो जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करना हो, तो वो आपके लिए बहुत शुभ फलीभूत हो सकती है। ओम मूषक वाहनाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, यानी निवेश के लिहाज से दिन ठीक नहीं है, तो निवेश ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों में यानी पर्सनल रिलेशनशिप में आज आपको कुछ रिस्क उठाना पड़ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए कि जहां आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित हो जाएं, जहां रिस्क की स्थिति आ जाए। आपके दिल में किसी के लिए बदले की भावना आ गई है, लेकिन उन्हें आपको माफ कर देना चाहिए, आपको बदला लेने की प्रवृत्ति जो है उसे छोड़ देनी चाहिए। कम से कम आज आप एक बार उस व्यक्ति को माफ करके देखें, हो सकता है दैवीय कृपा से आगे परिस्थितियां सामान्य हो जाएं। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जो परिस्थितियां आपके सामने बन रही हैं उनका सामना करने का भी आपको एक साहस प्राप्त होगा। किसी गरीब व्यक्ति का उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। और चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज मेरी तरफ से सुझाव ये है कि आप अलग अलग नहीं बल्कि एक टीम के तौर पे काम करेंगे, एक यूनिट के तौर पे काम करेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज का दिन भी टीम के रूप में काम करने का दिन है। याद रखना चाहिए कि एकता में ही बल है। निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा हो सकता है, कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है परिवार के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में आज क्योंकि कार्य को प्रमुखता देना है तो इस यात्रा को यदि आप टाल सकें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है, क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भगवान शिव की साधना चिता भस्म के बिना क्यों अधूरी है। अभी कुछ समय पहले सावन के महीने में मैंने आपको बताया कि वैदिक प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से महादेव शिव को अर्पित करने के लिए आप चिता भस्म बना सकते हैं। ये पहली बार किसी टीवी के कार्यक्रम में बताया गया था। इसी तरीके से किसी भी भगवान शिव के साधक के लिए ये अनिवार्य नियम है कि वह जब तक त्रिपुंड धारण नहीं करता, जिसे हम भस्म कहते हैं, चिता भस्म कहते हैं, विभूति कहते हैं, अगर वह विभूति धारण ना करे, त्रिपुंड ना लगाए, रुद्राक्ष और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा ना करे, तो वह शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी क्रम में आज मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान शिव चिता भस्म क्यों लगाते हैं, ये आपको जानना बहुत अनिवार्य है। शायद अगर आप ये जान जाएं तो आपकी भावना या शिव भक्ति जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिव पूजा में चिता भस्म का महात्म क्या है। भगवान शिव अद्भुत हैं, अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही ज़्यादा रहस्यमय भी हैं। उनका रहन सहन, उनका आवास, उनके गण इत्यादि सभी देवी देवताओं से भिन्न हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, ऐसा बताया जाता है, वहीं भगवान शंकर का जो स्वरूप वर्णन मिलता है वह सिर्फ मृगजर्म अर्थात हिरण की खाल लपेटे हुए और भस्म लगाए हुए वह स्वरूप हमें मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उज्जैन के महाकाल में भस्मा आरती का बहुत ही विशेष विधान है और यह अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र जो है वह भस्म है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही देखा भस्म ही होता है। आपने देखा होगा कि अघोरी हैं, सन्यासी हैं या अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म ही रमाते हैं। भगवान शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और उसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। शिव का शरीर अपने शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि ये शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, जिसकी सुरक्षा और इसके इंतजाम के लिए पूरा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं, उसी की व्यवस्था करते रहते हैं, इस भस्म के समान ही अंत में इसे हो जाना है। शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत है। शरीर की गति प्राण रहने तक ही है, इसके बाद ये श्रीहीन अर्थात कांतिहीन हो जाता है। भस्म की एक विशेषता ये होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसके मुख्य गुण ये हैं कि इसको शरीर पर यदि कोई व्यक्ति लगाए तो गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। रोम कूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी जो है वह बाहर नहीं आ पाती। इससे गर्मी से रक्षा भी होती है और उसके साथ साथ जो परजीवी मच्छर इत्यादि किसी व्यक्ति को जो परेशान करते हैं वह जीव के भस्म रमे हुए शरीर से दूर रहते हैं। इसीलिए साधु संतों का जीवन बहुत सामान्य होता है। आपने देखा होगा बहुत तपस्या वाला जीवन होता है, उनको साधना करनी होती है तो जब वो उसकी एक लेयर लगा देते हैं, एक लेप लगा देते हैं, तो किसी भी प्रकार के परजीवी उनके शरीर पर आघात नहीं कर पाते। इस प्रथा के आरंभ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने देखा कि कुछ लोग राम नाम सत्य कहते हुए एक शव को लेकर के जा रहे थे।
भगवान शिव बोले कि ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो राम का नाम ले रहे हैं। और जब उसको शमशान में ले जाकर के उस शव का अंतिम संस्कार करके सब लोग वहां से चले गए, तब महादेव ने श्री राम का स्मरण करते हुए, राम नाम की भक्ति का ध्यान करते हुए उस चिता भस्म को अपने पूरे शरीर पर धारण कर लिया। तब से मानते हैं कि ये परंपरा चल पड़ी। भगवान शिव का ये मानना था कि इस भस्म में, इस शरीर में, इसको उस अग्नि में जलाया गया जिसका, जिसके साथ लोग राम का नाम ले रहे थे, अर्थात कण कण में, इस भस्म के कण कण में मेरे श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम है। जैसा हम सब जानते हैं, शास्त्र प्रमाण है कि भगवान शिव के इष्ट देव भगवान श्री राम है, और वहीं भगवान श्री राम के इष्ट देव महादेव शिव स्वयं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब शिव और राम का समावेश होता है, तब ऐसा मानते हैं कि ये भस्म लगाने की परंपरा हमारी इस मान्यता में, हमारी सनातन परंपरा में आरंभ हुई। तो अगर आप इसको जान करके महादेव शिव की साधना में स्वयं भी त्रिपुंड लगा करके, भस्म धारण करके महादेव की साधना करें, तो महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। और किसी भी प्रकार से आप भस्म को जल में घोल करके, गंगा जल में घोल करके महादेव का अभिषेक कर सकते हैं, या उसे चूर्ण के तौर पर, पाउडर के तौर पर शिवलिंग पर अर्पित करें, भगवान शिव पर चढ़ाएं, तो महादेव प्रसन्न होते हैं। भस्म किसी भी स्वरूप में शिव पूजा में बहुत ज्यादा अनिवार्य है, शिव पूजा का एक अभिन्न अंग है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको ये जानकारी देने का कि भस्म का महात्म शिव पूजा में इतना ज्यादा क्यों होता है। और इसके साथ ही आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। और फिलहाल मुझे दें इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।